उत्तर प्रदेश राज्य संग्रह सीजनल अमीन कर्मचारी सेवा वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर संग्रह अमीनों व अनुसेवकों का विनियमितकरण नहीं किया गया तो 13 जुलाई को सीजनल संग्रह अमीन के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह कर लेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री से कई बार मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया जा चुका है। कानपुर जिला प्रशासन को भी कई बार प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया जा चुका है। उनका कहना था कि अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन किया लेकिन अब हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, इसलिए 13 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की घोषणा की है, जिसकी जानकारी सभी को पहले से ही भेज दी गई है। उनका कहना था कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो मजबूरन आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ेगा। आज संघ ने जो विनियमितकरण की कार्रवाई नहीं हो पा रही सीजनल अमीनों और सीजनल सेवकों की, इसके लिए बराबर आंदोलन चल रहा है। अभी भी पिछले महीने में हम लोगों ने जल सत्याग्रह किया, आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले 9 नवंबर 2021 को अपर मुख्य सचिव राजस्व ने आश्वासन दिया, बैठक बुला करके आज तक कोई विनियमितकरण की कार्रवाई नहीं हो पाई। रोज टल रहा है, एक एक दिन जो है जीवन का ख़त्म हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन हमारी फरियाद को नहीं सुन रहा है। लोगों की उम्र 55 साल हो गई, किसी की 60 साल होने वाली है, कोई 58 साल का हो गया, कोई रिटायर होने वाला है, तमाम मर गए हमारे साथी सदमे में विनियमितकरण ना होने के। अब हम लोग जाएँ कहाँ, पूरा जीवन राजस्व विभाग में ख़त्म हो गया, मजबूरी में प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर आत्मदाह घोषणा की है, क्योंकि दर्जनों बार गोरखपुर और लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये निर्णय हमको लेना पड़ा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।